बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पैदल जा रही महिला मजदूर किसी वाहन की टक्कर से घायल हो गई। घायल महिला का नाम जमनापुर निवासी उषा पुरुषोत्तम देशमुख, उम्र 45 वर्ष है। जब मजदूरी से घर जा रही थी तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मार दी। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। पौनी पुलिस ने बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध रूप से रेत चोरी कर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। वल्ली से आमगांव रोड पर खेत के पास इस ट्रैक्टर और ट्रॉली में लगभग 1 ब्रास रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। संज्ञेय अपराध करने के इरादे से अंधेरे में छिपे संदिग्ध पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी का नाम कस्तूरबा गांधी वार्ड भंडारा निवासी रंजीत पवन मोटघरे, उम्र 23 वर्ष है। अंधेरे में वह अपराध करने का इरादा रखते हुए छुपा हुआ दिखा। पुलिस कर्मी की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सर्पदंश से वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। मालूटोला निवासी भोलाराम एले, उम्र 65 वर्ष, मृतक का नाम है। खेत में घास काटने के दौरान उसे सांप ने काट लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। किशोरी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि किशोरी इलाके में कुछ लोग अवैध रूप से गोमांस बेचने की नीयत से ले जा रहे हैं। इस जानकारी के अनुसार वरिष्ठों के मार्गदर्शन पर किशोरी पुलिस तत्काल ग्राम तुकुम नारायण गई और जितेंद्र राउत के निवास स्थान पर छापा मारा और लगभग 40 किलोग्राम गोमांस बरामद किया। पिकअप वाहन से वध के लिए ले जा रहे पशुओं को बचाने की कार्रवाई टाकली में की गई। पिकअप वाहन से 13 गौवंशीय पशुओं को बेहद क्रूर तरीके से वध के लिए ले जा रहे थे। वर्टी पुलिस ने दोनों वाहनों को रोका और मुक्त कराया। इस कार्रवाई में पिकअप वाहन चालक के खिलाफ वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया। सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थ का सेवन करने वालों के खिलाफ साकोली पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी सानगढ़ी निवासी इब्राहिम रहीम खा पठान, उम्र 67 वर्ष, सार्वजनिक स्थान में चिलम से नशीली दवा का सेवन करते हुए पाया गया। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया।